अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन लेडीज एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। ये इतना इंपॉर्टेंट दिन है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना इंपॉर्टेंट दिन है। जो कुछ आपने आज तक सोचा है, आज वो सब शायद गलत हो जाएगा। जो कुछ आपने शादी के शोज के बारे में सोचा है, वो सब का सब गलत हो जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं किस चीज से गुजर रहा हूं। देखते रहिए और मेरे साथ इस शो में शामिल रहिए, क्योंकि ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं एज गॉड माई विटनेस। ना तो मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा मुश्किल शो किया है, और आपको भी अंदाजा ही नहीं है, किसी को भी अंदाजा नहीं है। नो वन एक्चुअली नोज व्हाट्स हैपनिंग, नो वन एक्चुअली नोज, किसी को नहीं पता है। लेकिन डिपेंड करता है आज शो से पहले या कल शो खुलने पर आप जिंदगी की सबसे बड़ी सबसे बड़े सरप्राइज से मिलेंगे। एक ऐसा सरप्राइज जो आप सोच नहीं सकते, जो मैं नहीं सोच सकता, जो किसी के जहन और गुमान में आ नहीं सकता, किसी के वहमो गुमान में नहीं आ सकता। मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त मैं किस चीज से गुजर रहा हूं, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये एक ऐसी शादी है जो ना आप भूलेंगे ना मैं भूलूंगा। ये एक ऐसा मौका है जिसे ना आप फरामोश कर पाएंगे ना मैं फरामोश कर पाऊंगा। आई प्रॉमिस यू, आई बेट माई लाइफ ऑन दिस। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, आई बेट माई लाइफ ऑन दिस। मैं जो बात आज आपको बताऊंगा या कल सुबह बताऊंगा, दैट ओनली डिपेंड्स। 10 बजे मैं ये फैसला करूंगा कि मुझे वो बात कब बतानी है। एंड एज गॉड माई विटनेस, मैं आपको वो बात बताऊंगा, हर सूरत बताऊंगा, आज बताऊंगा या कल सुबह बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा। ये कैसा शो है जो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। मेरे जितने मेहमान हैं उनमें से किसी एक को भी पता नहीं है, मेरी टीम के बहुत सारे मेंबर्स को पता नहीं है, और आप तो मेरे साथ साथ चलेंगे। आई प्रॉमिस यू, आपने जिंदगी में ना कभी ऐसा शो देखा है ना कभी ऐसी शादी देखी होगी। आई प्रॉमिस यू। शुरू करते हैं, बट आई प्रॉमिस यू। एंड एक बात और, हम जो कुछ भी शादी के बारे में सोचते हैं सब बदलने वाला है। बजाइए जी।
बस 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 और बजाइए। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग, मजा मजा बिल्कुल नहीं आएगा अगर गाना नहीं चलेगा तो। कौन सा? नहीं 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 नहीं, गाना सिर्फ मेरा चलेगा। घायल है तेरा दीवाना भैया भैया, बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया, अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया भैया, बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया। हेलो हेलो, यही है ना? और अंबर, हम लोग सवाल करते हैं, साहिर इतनी एनर्जी कहां से आती है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी अभी तुमको मालूम ही नहीं है जो कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। आप में से किसी को नहीं पता आज का शो, अगर आज के शो से पहले
मैंने आप लोगों को वो चीज़ बता दी तो आपके हाथों के तोते शोते सब उड़ जाएंगे। बाजी कसम खा के कह रहा हूँ मैं, इतनी बड़ी कसम मैंने कभी नहीं खाई इससे पहले, सच बता रहा हूँ। तोते शोते होते चिड़िया शेर हाथी सब चले जाएंगे। पर मैंने कहा देखो जी बात तो ये है कि जो खतरे के अंदर नहीं, सही है ना, बोल दूँ ना, ठहर जाओ एक मिनट ठहर जाओ, बोलो तो बोल दूँ ना, कह दूँ ना, इतने लोगों के सामने आप मान ही लोगे प्यार करती हूँ मुझसे। हाँ जी, तो बात ये है कि टेंशन के अंदर था मैं, रात को 2 बजे हमारे पास एक फोन कॉल आई है। फोन कॉल भी क्या थी, काया पलट गई भाई, ऐसी काया पलटी है कि पसीने बह रहे हैं, उस जगह से पसीने बह रहे हैं जो दिखाई नहीं देती। तो भाई फिक्र की कोई, क्या हो गया? देखो भाई अपने अपने झेंड की बात है, मैं तो आर्म पिट की बात कर रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो? सीधी बात है, खामा खा के अंदर एक बात है, आप क्यों तैयार होकर बैठी हो, कोई आने वाला है क्या? अच्छा बेटे की, देखो सोच के बोलो, मैं इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, बेखबरी के अंदर मौत भी आ जावे तो कोई मसला थोड़ी है। हाँ जी, तो रात को 2 बजे मेरा फोन बजा, 2 बजे, कल पहली मरतबा ऐसा हुआ था, मैं बहुत थक गया था तो मैंने सोचा यार सो जाते हैं, रात 2 बजे सो गया मैं, सोने के लिए लेटा, अकेला ही लेटता हूँ भाई मैं सोने के लिए। हाँ जी हाँ, मुझे भी उतना ही दुख है, आपको दुख है ना, मुझे भी उतना ही दुख है। तो जी मैं सोने के लिए लेटा तो मेरे पास मेरे भाई का फोन आया, बड़े भाई का, कहने लगा भाई एक समस्या हो गई है, इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि मेरा तो खून खुसक हो रहा है। मैंने कहा बताओ तो सही, जब उन्होंने बताया तो मेरा भी खून खुसक ही होने लगा। हाँ जी, तो मैंने सोचा है कि जी आज सो तो करते हैं भाई, सो के बाद आपको बताएंगे कि हुआ क्या है, ठीक। अरे नहीं नहीं ऐसा क्या है, नहीं अभी नहीं, पेट में दर्द रहेगा पूरे 2 घंटे, पेट में दर्द रहेगा, यहाँ से आप सीधे हाथ पे जाएंगे, नहीं साहिर उससे नहीं सही होगा, साहिर नहीं होगा। एक छोटा सा कमरा है, उसके बराबर एक लोटा पड़ा हुआ है, नहीं, और नहीं, एक जंजीर बंधी हुई है, कुछ नहीं होगा, यू कुड गो। क्या कहते हैं आप लोग, आपको मालूम नहीं है भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपको मालूम नहीं है, इस वक्त अगर मुझे दमाम जाना हो तो मैं पैदल चला जाऊंगा। मैं सही बता रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है। अरे बता दो यार, नहीं आज अच्छा, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये आप सबकी जिंदगी का, एवरी वन ऑफ यू, और ये आप सबकी जिंदगी का और आप सबकी जिंदगी का और आप सबकी जिंदगी का, और आप जो मुझे देख रहे हैं ये सबसे मुख्तलिफ शो होगा, आई प्रोमिस यू, सिर्फ आपको मेरे साथ रहना है। कहाँ गया दरवेज? नोमी भाई ये शर्ट जो दी है ना, ये बड़ी है, इससे बाहर निकल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बगलों में कुत्ता पहने घूम रहा हूँ। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, पर प्यारा है बहुत, कुर्ता नहीं कुत्ता पहने घूम रहा हूँ, उसके कान होते हैं ना, क्या ब्रेक आ गई है? हाँ जी चलो जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो डांस वांस करते हैं, गाने शाने गाते हैं। पाजी जो प्रॉब्लम आनी है वो तो आनी है, देखो जी कहते हैं कि जी जब आनी है तो फिर आनी है, लेकिन आई प्रॉमिस यू दिस, मैंने अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किल तरीन शोज़ किए हैं ये उन सब का सबसे मुश्किल शो है क्या ये आपको पता चलेगा? देखो छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, गुड मॉर्निंग। सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी। शुरू हो जाओ। विकी सनी के लिए तालियां तो बजाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? शहनाइयों की सदा कह रही है
खुशी की मुबारक घड़ियां गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमीन पे फलक से परियां गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन मेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हे का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हम तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। विकी सनी के लिए बहुत सारे तालियां, विकी सनी के लिए।
मजा नहीं आ रहा इतने सारे ये। अच्छा अच्छा ये जो आज आप लोगों ने सारे लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस शेरवानी पे, ये दरवेश की शेरवानी है एंड थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे फेवरेट तरीन डिज़ाइनर हैं, ऑनेस्टली आई थिंक आई लव देम लाइक माई ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड दे आर जस्ट ब्रिलियंट। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज जो कुछ मुझे तैयार करवाया लोगों ने तैयार करवाया, थैंक यू। ऑलराइट तो कर तो कर लूँ क्या, मैं कर लूँ क्या, हो ही जाए आज, हो जाए। लेकिन आज अपनी बेबी नहीं है ना अपनी जिस दिन बेबी आएगी उस दिन कर भी लेंगे, बस ठीक है। हाँ तो अच्छा एनीवे मिसेस खान क्या कर रही हैं आप? मैं अपने बचपन में माइक को लगा हुआ ना आपको, अच्छा वैसे आपको जरूरत तो नहीं माइक की। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी सी दो दो लाइंस वो सुनाऊँ जो हम अपने बचपन में गाने गाया करते थे, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट होते थे और बिल्कुल वो रिलेटेड टू शादी और मेहंदी के होते थे। अब तो हम लोग ज़रा मिक्स कर देते हैं ना वो ये इंडियन गानों से और पाकिस्तानी गानों से, दे वर टिपिकल शादी के गाने हमारे से की दुआ करते थे शादी के। ये मतलब नहीं, नहीं, वैसे ही खवातीन बनाती थी घर में बैठ के या क्या था मतलब कहीं और नहीं जैसे मेहंदी, हाँ कोई पच रंग मेहंदी लायो रे, हरी हरी मेहंदी जैसे हरी हरी पत्तियाँ, इसको जो लगाए वो तो जागे सारी रातियाँ, कैसे लगाऊं तुम कसम खा, तुम सबको समझ आ रहा है? लेकिन उनकी बात करनी पड़ेगी। अब अच्छा अब जैसे दूसरा मैं अभी मैं तो फुलवा पहनाने आई फुलवा पहनाने आई, मेहंदी लगाने आई, फुलवा पहनाने आई, मेहंदी लगाने आई, मेहंदी लगाने आई, आज रे हो गई रात। मेरे इनके साथ गाने पे मेरा शक होगा कि मैं इनके दौर की हूँ, मैंने इनसे सुने हैं, इसलिए मुझे याद है मेरे बीच में सुने थे इनसे। हट बेनी खट्टू गवारवा तोरे संग ना जाने की, हट बेनी खट्टू गवारवा तोरे संग ना जाने की, तोरे संग जाऊंगी मैं भूखो मर जाऊंगी, तोरे संग जाऊंगी मैं भूखो मर जाऊंगी, मेरे पिहर में कचौरियाँ तोरे संग ना जाने। फिर ऐसे मेरे अच्छा वैसे मैं ये शो होस्ट कर रहा हूँ शादी का, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई शादी में मर्दों की जरूरत नहीं होती है। थाल भरे मोती बहनिया नहीं लेती, ये थाल भरे मोती बहनिया नहीं लेती, तुम क्या दोगे बनड़े बाढ़ रुकवाई, तुम क्या दोगे बनड़े बाढ़ रुकवाई, अब दे दूंगा बनड़ी तेरी चितराई। छज्जे पे पतंग उड़ाए हरियाला बना नजर जाए, छज्जे पे पतंग उड़ाए हरियाला बना, ढील दो भाई ढील दो, जाने दो भाई जाने दो, आने दो भाई आने दो, ओ काटा। अब आप सोचे अपने अपने दामाद के लिए इस किस्म के गाने गाने, छज्जे पे पतंग उड़ा है अब, और उसके बाद कंप्लेन करते काम नहीं करता ये तो पतंग उड़ाने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ करेगा ना नहीं, बट एनीवे वेरी नाइस। हाँ बाजी वो आपके पास माइक नहीं है,
माइक दे दिया, बहुत सब बड़े अच्छे गाने। इसका मतलब लास्ट ये होता है कौन है, वो कहते हैं दूल्हे की नहीं, वो कहते हैं बुड्ढी है, वो कहते हैं कि मतलब ओ अच्छा हाँ वो दुल्हन की अम्मा है, अभी तो मैं जवान हूँ, वो इस तरह कर। अच्छा ये वो एक जो बैठे थे वो बड़ी बुड्ढी। अरे अरे ताहिर भाई, ताहिर भाई, ताहिर भाई, अरे रुक गया यार, अरे भाई रुक गया यार, बात पतंग की हो रही है तो वो गाना सही नहीं है। पतंग बात सजना से पतंग बात एक, सुन तो ले, सुन तो ले, मुझे मुझे जाना है, मैं तो 10 मिनट के लिए आया था। थैंक यू वेरी मच। सुने आंखों आंखों में उलझी डोर, दूल्हा दुल्हन के लिए बात कर रहे हैं। और मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब शादी से पहले के गाने होते हैं। शादी के बाद के तो गाने ही डिफरेंट होते हैं। और वो मेरे बन का ये गाना गाता है, छोड़ दे पीछा मेरा। ब्रेक है, एक बड़ा मजा तो कोड़ियां तो छोटा सा एक ब्रेक है पाजी, ब्रेक लेते हैं। हमारे गाने बड़े मजे के होते हैं। एक ब्रेक है, एक ब्रेक है छोटा सा आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने आपसे कहा है कि ये एक ऐसा शो है जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको भी अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक। इतना सा था तब से आपको टीवी पे देख रहा हूँ। पागल तो नहीं हो गया? यार चाय पिला दो यार, चाय की बाल्टी दिया बढ़िया नहीं। ये आदमी नमा औरत, ये चर्बी से मालामाल है। लव मैरिज की अरेंजमेंट सर बड़ी जबरदस्त, लड़ाई झगड़ों वाली। आपकी शादी हुई ज़कातिया लव मैरिज। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। देखिए इस वीकेंड इफ़त उमर और अहमद अली भट्ट को द उमर शरीफ शो में रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ 1 पर।
जागे बालों में जल लगा के अपने जीन की ओके की आवाज आजो डांस करें हम टूर करें हम पार्टी शार्टी ऑन करें जरा डीजे तो हिट गाना ला दे
बाजी खाम खा अब ठहरा न किसी काम का वीर का कोई शेर सुना के झूठ लगा के जाम का मेरा खान महस नाम का किसको आता है दिल फकीर कौन करता है दिल फकीर तेरे लिए हुआ है कौन कौन करता है दिल फकीर आ रहा हूँ आपके पास ही आ गए हाँ एक मिनट कौन आप करते हैं जल्दी आए आपको आता है दिल फकीर आता है आइए इन्होंने एक परफॉर्मेंस तैयार की है दिल फकीर पे अच्छा वाओ हाँ नहीं इस कदर मुझे तुमसे प्यार है बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम सांसों में सांसें तेरी बातों में बातें तेरी हर ख्वाब में तू है शामिल चाहूं तुझे मैं चाहूं देखूं जहां मैं पाऊं हर जिक्र में तू है शामिल तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं गम हो या हो तुम दोनों रहो और
और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तुम में से एक मिनट माइक दीजिएगा मुझे, स्पेशली वो छोटी बच्ची है, कौन आई थी? नहीं नहीं एक मिनट, अभी नहीं मिसेस खान, ये बताइए तुम में से साहिर कौन है? मैं। तुम साहिर हो जी? तो तुमने जब जाके यूं किया था तो क्या पिक्चर को देख के किया था क्या? अच्छा, और तुम अमीर हो जी? ओके, तो ये अबीर रिजवी है, ये साहिर लोधी है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो एक्चुअल पिक्चर का गाना है, 2 मिनट 59 सेकंड का हमने रिलीज किया है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वॉच दिस, देखिएगा। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है, तू जो मुझसे कहे दो जहां बार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल, चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल, तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या कर दूं कि वो क्या बात है। मेरे पास यहाँ हमारे लॉयर लियाकत अली साहब मौजूद हैं। शादी में लॉयर की जरूरत क्या है, सोचा है आपने? नहीं सोचा, सोचिए।
मैंने आपसे प्रॉमिस किया, प्लीज तशरीफ रखिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना तो ऐसा शो आपने देखा होगा ना ऐसी शादी आपने देखी होगी, क्योंकि मैं हर उस दीवार को, हर उस मखरूजे को खत्म करने वाला हूं जो हमारे यहां होता है। लेकिन इंसान बहुत सारी चीजें सोचता है, होती चंद चीजें हैं, जो होता है वो सोचा नहीं होता। लेकिन इंसान वही है जो मुश्किलात की आंखों में आंखें डाले और जवाब दे। तो मैंने भी एक फैसला किया है, एक ऐसा फैसला जिसके बाद कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, आई एम रिस्किंग एवरीथिंग। ये शो आप जो देख रहे हैं तीन दिन से, शादी का शो है। मैं सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा हूं, अगर वो मुझे 11 बजे से पहले मिल गई तो मैं इसको अभी डिस्क्लोज करूंगा, और अगर वो मुझे 11 बजे के बाद मिली है तो कल सुबह जब 9 बजे आपकी स्क्रीन खुलेगी, आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नाकाबिले फरामोश शो देखेंगे, क्योंकि आपको अभी अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अंदाजा नहीं है। ये शो मुख्तलिफ है, क्यों मुख्तलिफ है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मेरे साथ लियाकत है जो हमारी कोर्ट के लॉयर हैं, साथ साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब होंगे जो कल भी हमारे साथ तशरीफ रखेंगे। आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, एक कहानी शेयर करना चाहता हूं, आपको कुछ बताना चाहता हूं, एक ऐसी बात जो हर बाप के लिए जरूरी है, एक ऐसी बात जो हर माँ के लिए जरूरी है, एक ऐसी बात जो हर बेटी के लिए जरूरी है, एक ऐसी बात जो हर भाई के लिए जरूरी है। हम जब फैसले करते हैं तो फैसलों के पीछे सच होना चाहिए, और अगर फैसले में सच नहीं है तो वो फैसला उतना ही कमजोर होता है जितने कमजोर हमारे इरादे होते हैं। आइए जी, तालियां तो बजा दो, क्या हो गया है। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम, ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी सजदा करेंगे अकेले न जाना, हमें तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, बहुत दुख दिए हमें जिंदगी ने, अब एक और गम देख जाओ, तरसती निगाहें सदा दे रही है। जमैन एच मार्शल लौट आओ, करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना फसाना जो उल्फत का छेड़ा
किया है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ कर जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम बिना अब छोड़ देना। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आने, चले आओ मिलके ये हम बांट लेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिए। बहुत दुख दिए हमें जिंदगी ने, अब एक और गम भी ना तुम देके जाओ। कहते हैं बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, एक दफा वो याद है तुमको, कल पता चलेगा कि मैंने ये बात क्यों की है। एक दफा वो याद है तुमको, बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था, हमने भूखे प्यासों किसी एक्टिंग की थी, हवलदार ने एक अठन्नी देकर छोड़ दिया था, एक चवन्नी मेरी थी वो भिजवा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का दिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के वादे कुछ, उन्हीं झूठ मूठ के वादों में से कोई एक वीरान सा वादा वो भिजवा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के
कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं और मेरे एक हाथ में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, एक दफा वो याद है तुमको, बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था, हमने कैसे भूखे प्यासों की सी एक्टिंग की थी, हवलदार ने एक अठन्ने देकर छोड़ दिया था, एक चवन्नी मेरी थी वो भिजवा दो, मेरा कुछ सामान मैंने ये पढ़ा क्यों है कल बताऊंगा, ये जिंदगी का सबसे मुश्किल शो है, सबसे मुश्किल शो है, यू हैव नो आइडिया। यू आर द मोस्ट टैलेंटेड एंकर और आप में अल्लाह ताला ने एक खासियत दी है, आप में एक लॉट ऑफ एनर्जी दिया है एंड यू आर रियली अ मल्टी मल्टी टैलेंटेड एंड अ ब्रेनी पर्सन। छोटा सा एक ब्रेक, ब्रेक के बाद डांस डांस का सीन है यार, हो गया बहुत सैड वैड, अभी आते हैं एक ब्रेक के बाद, अभी मिलते हैं, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, अच्छा मेरी परफॉर्मेंस तो होती रहेगी, लेकिन 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 अब यहाँ पे हमारे ये जो लोग हैं, इधर से लड़के वाले हैं, यहाँ लड़की वाले हैं, यार प्लीज यार एनजी को कुछ बोलने दो यार, एनजी ने कुछ भी नहीं बोला, आपको माइक लगा हुआ नहीं लगा हुआ, आई नीड टू गिव, आज मिक्स है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, एनजी के लिए बहुत सारी तालियां, आज सब मिक्स है, आज सब मिक्स है, हाँ जी, आज दोस्ती हो चुकी है, लड़ाइयां खत्म, दोस्ती हो गई, जी जी, अब तो शादी है, मिक्स नहीं है, मेरे चक्कर में बैठी हुई है यहाँ, मैं ये ये चाय का कप देखा है ना, ये पूरा सर पे गरम गरम उंगली दूंगी, मेरे लिए पहनाना, बान चुप 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 चुप, एक ही ना तीन आए हो, जाहिर इनके झगड़े सॉल्व नहीं हो सकते, आप छोड़ें शो को चलाएं, आप छोड़ें इनके झगड़े नहीं खत्म होंगे, अरे वो मामी 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 गरक्षा हिट हो गई तुमको, ईमानदारी से बताओ कपल कैसा लग रहा है? अरे बात सुनो बेटा, प्यार तो लेती जा, बहू बन गई है तो हमें मुबारक हो, आप अगली शादी की तैयारी कर ले, मगर उसमें ये टकला ना हो, मैं बीक लगा लूंगा, दरक्षा हिट हो गई तुम तो, है ना, बस जी जी एनजी क्या कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वाकई रियल, जब किसी के घर की शादी होती है तो इसी तरह से एक दूसरे के साथ जो नोक छोक चल रही होती है ना, बिल्कुल वही मुझे तो फीलिंग आ रही है, नहीं नहीं एज इन एज इन आई नो, जैसे किसी घर में फैमिली में जैसे शादी होती है ना, बिल्कुल वही उर्दू बोलिए इसने इस वक्त, नोक छोक छोक, मेरी उर्दू वाकई बहुत अच्छी है, नहीं मतलब बहुत अच्छा जुमला, बड़ा टिपिकल सा, अच्छा इससे ज्यादा नोक छोक हमारी शादी में हो, अरे इसको बोलो एक नोक और दूसरी झोंक, मेरी भाभी से बात हो चुकी है और मैं अभी भाभी को फिर फोन करती हूँ, मेरे भतीजे भतीजी हैं, भाभी ने इजाजत दे दी है, हमने पूछ लिया, उन्होंने कहा इस्लाम में चार जाएगा, अच्छी अच्छी बहने हो उसको क्या कमी है, मतलब पांच जाओ देखो
क्योंकि आज अगर लड़ाई हुई ना तो फिर यार ये नहीं है मैंने। दर्शन तुम अपना मूड बिल्कुल खराब ना करो। अरे हम तो लड़े ही नहीं है जब से आपने देखा है। समझना क्या तुम बताओ ये बकवास करने की जाना जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, शादी के बाद में ऐसे जलील होऊंगा, पहले हो जाऊं। जस्ट फॉर एंजॉय। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल एंड में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी शुरू करें शुरू करें। मैं अच्छा क्या मैं चुन सकता हूँ किसी को? फैसल 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 नकवी साहब आप चीजा चाहिए। फैसल नकवी साहब अरे आप तो जीत गए। फैसल आज सबके साथ फैसल डांस करेगा।
देखूं से तो दिल झूम 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 जाए, छूलूं से तो बोले हुए हुए, नजरें मिलाए दुनिया घूम 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 जाए, चाल पे उसकी नफिदारे हारे। उसकी हया है वो दिल ले लिया है ये दिल बोले तुम इधर ही रहो तुम इधर ही रहो गाना बजाते रहिए आप गाना बजाते रहिए गाना कोई भी लगा दीजिए कोई भी लगा दीजिए कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी थोड़ा जिहा म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओए नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच गदे विच कम कमा जा ते चीची लेके आ जा दिबंगा नू छंडा जा दिलां नू नी तड़का जा पावे अंग्रेजी ते पावे दे पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओए नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच रानी थलो चीते पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओ नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच गदावज कम कमा जा कि चीची लेके आ जा बंगा नू छिड़का जा दिला नू नी धड़का जा हमें अंग्रेजी त पावे दे पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओ नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच वली भाई गाना लगाओ अफगान जलेबी वली भाई एंड ऑफ कोर्स रबिया कम फॉरवर्ड इट्स ओके खड़े रहना और क्या है खड़े रहना कोई बात नहीं 1 2 3 चप्पल अपन नहीं उतारने नाचना है नहीं 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 यो यो पायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी
चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया अपन जले भी माशूक परे भी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया ठहराना किसी काम का वीर का कोई शेर सुना के झूठ लगा के जाम का मेरा खान महस नाम का ओए लखते जिगर ओए नूरे नजर एक तीर हद मैं चाक जिगर बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी बादा तो कभी निभाना भैया चलाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया भैया
उंगली करूंगा, अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा, राजा जी के पास तेरी चुगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा, अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा, फूले गुलजार मेरे स्वर्ग। उरुसा नाम है इनका, उरुसा नाम है। मुझे सबसे ज्यादा करने के लिए दो लोग उसके साथ खेलो, दस आ जाओ बेटा, बहुत देर से हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लगाई लगाई यार, एक मिनट यार, एक मिनट बस चलो करो, एक मिनट ठहर जाओ, ठहर जाओ यार। ऐसे पता नहीं चल रहा यार, मजा जाली आग गई, देखो वे कुड़िया च हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं, जे तेरी मेरी गल ना बड़ी, जे तेरी मेरी गल ना बड़ी। ओए वाला ओए वाला ओए वाला ओए अफगान जलेबी या भाई। आप ये मत समझिएगा कि साहिल ने जो है आपको इतनी लड़कियों के साथ नचाया, एक्चुअली वो कह रहा है कि अभी भी समझ आओ, अगर तुमने इस औरत से शादी की तो सारी जिंदगी ऐसे ही नाचते रहोगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इस बात पे मैं भी तालियां बजाऊंगी, बिल्कुल सही। अरे इसके लिए तो मैं उम्र भर नाच सकता हूँ। डीट इंसान है यार, तुम कुछ भी बोलो मेरी तरफ से आई लव यू। और आई लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हालांकि आप भरपूर कोशिश करके आए मगर नाकाम हुई। फर्ज करें कि कल आपको ये पता चले
कि यहाँ ये शादी होनी नहीं चाहिए तो क्या होगा। फर्ज करो और अगर शादी होनी भी चाहिए तो कम से कम सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए तो क्या करेंगे। मैंने कहा ना कल रात को 2 बजे मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिला है, सो कल सुबह 9 बजे बताऊंगा। मैंने लियाकत को इसलिए बुलाया, आप सब लोग भी कल इनवाइटेड हैं, एवरीवन विदाउट एनी फेल आइएगा। चीफ बॉस चेंज कर दूंगा मैं सब कुछ कर, हर उस बात को जिसे हम सही मानते हैं, हर उस बात को जिसे हम सही जानते हैं, कल बदल जाएगा सब कुछ। कल सुबह 9 बजे सभी कुछ बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। हो सकता है कि कल मेरी जिंदगी का आखिरी शो हो सकता है, कल के बाद मैं शो ना करूं। सुबह 9 बजे बताऊंगा आपको क्यों, कल सुबह 9 बजे आई प्रॉमिस यू। मुझे अगर आप अपनी नजर से गिरा भी देंगे तो मैं अपने आप को अपनी नजरों से गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि आई प्रॉमिस यू दिस, एट द एंड ऑफ द डे मुझे जवाब आपको नहीं देना, अल्लाह को देना है। और मेरा सारा मान, मेरा सब कुछ मेरा रब है, रब के अलावा कुछ नहीं। रात 2 बजे के बाद मुझे एक फैसला करना था, सो मैंने किया। आज मैं यहां हूं, मैं कल भी यहां हूंगा, कल के बाद मैं यहां हूंगा या नहीं इसका फैसला कल 11 बजे हो जाएगा। ऐसे किसी काम में जिसमें किसी की इज्जत महफूज ना रह सके उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको पता तो नहीं होता ना हमारा कोई कैसा है क्या। हाँ माइंड अप कर रहा हूँ, बार बार इशारे दे रहे हो वक्त से पहले, माइंड अप ही कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन कल सुबह 9 बजे मैं अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल शो करूंगा। Until tomorrow morning, keep smiling. Khuda hafiz. Atta bata chata, hun tu dance floor te aaja, thodi desi beat baja, tera thumka mera baja. Itna sa tha tab se aapko TV pe dekh raha hu. Tum pagal to nahi ho gaya? यार चाय पिला दो यार, चाय की बाल्टी नहीं है बड़ी है नहीं। ये आदमी नमा औरत, ये चर्बी से मालामाल है। लव मैरिज की अरेंजमेंट सर बड़ी जबरदस्त, लड़ाई झगड़ों वाली। आपकी शादी हुई ज़कातिया लव मैरिज। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। देखिए इस वीकेंड इफ़त उमर और अहमद अली भट्ट को ह्यूमर शरीफ शो में रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ 1 पर।